बकाया मानदेय सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर उपवास पर बैठे उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने 5वें दिन भी उपवास जारी रखा। रविवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में उपवास पर बैठे ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा कि विगत 5 दिनों से बकाया मानदेय सहित एसोसिएशन की अन्य समस्याओं को लेकर हम उपवास पर बैठे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारियों द्वारा उपवास कार्यक्रम की जानकारी नहीं लेना ग्राम रोजगार सेवकों की जायज मांगों के प्रति घोर उदासीनता का परिचायक है, जिसके विरोध में सोमवार को ग्राम रोजगार सेवक भिक्षा टन कर विरोध करेंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष निखिल कुमार, कृपा प्रसाद सिंह, अखिलेश राय, अमरजीत सोमनाथ यादव, संतोष यादव सहित अन्य ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर अजीत कुमार ने कहा, अभी तक जो है प्रशासन हम लोगों की कोई सुधि नहीं लिया, और मैं ये कहता हूं कि जो है अगर इसी तरीके से प्रशासन उदासीनता का परिचय देता रहेगा तो आगे हमारा जो कार्यक्रम है वो बेहद होता जाएगा। कल इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने भिक्षाटन का कार्यक्रम रखा है, और जो भी भिक्षाटन के उपरांत धनराशि हमें प्राप्त होगी उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सहायता कोष में भेजने का काम करेंगे। क्या मुख्य मांगे हैं? हम लोग की मुख्य मांगे हैं कि जो है जो भी इस समय सबसे बड़ी मांग ये है कि हम लोगों की कम से कम 25 से 30 महीने का मानदेय बकाया है, वो तत्काल भुगतान उसका किया जाए। नगर पंचायत में विलय हुए गांव में जो है रिक्त जो ग्राम पंचायतें हो गई हैं उन पर जो है तत्काल उसका सृजन किया जाए, और हम लोगों की जो इस तरीके क्या कहते हैं मनरेगा डपटेलिंग का काम अभी तक 2017 में उसका शासन आदेश जारी किया गया था परंतु अभी तक उसका जो है अनुपालन नहीं किया गया है। मैं अजीत कुमार, जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर।